तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बॉलीवुड के दमदार एक्टर की जो उन चुनिंदा एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआती 12 फिल्में हिट की हैं और इनमें से एक भी फिल्म इन्होंने फ्लॉप नहीं की है, जिन्होंने ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है और इन्होंने ये मुकाम अपनी सालों की कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर हासिल किया है, जो कभी एक कमरे के फ्लैट में रहते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उभरते हुए सुपरस्टार वरुण धवन की। जो अपने शुरुआती करियर के दिनों में एक सहायक निर्देशक का भी काम कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वरुण धवन की इस दिलचस्प कहानी को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो दोस्तों वरुण धवन की इस कहानी की शुरुआत होती है 24 अप्रैल 1987 को, जब महाराष्ट्र के मुंबई शहर के एक क्षत्रिय हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम डेविड धवन है जो बॉलीवुड में एक डायरेक्टर हैं और अब तक ये कई सफल फिल्मों में काम कर चुके हैं और इनकी माँ का नाम करुणा धवन है। इनके अलावा इनके एक बड़े भाई भी हैं रोहित धवन, जो कि एक खुद एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने देसी बॉयज जैसी फिल्मों में डायरेक्टर का काम किया है। अगर बात की जाए इनकी शिक्षा की तो वरुण धवन की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल मुंबई से पूरी हुई है। इसके बाद ये यूके चले गए और वहाँ पर इन्होंने नॉटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। वरुण धवन बचपन से ही 7 साल तक अपने परिवार के साथ एक कमरे के फ्लैट में रहते थे, क्योंकि जब वरुण धवन का जन्म हुआ था तब इनके पिता एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर थे और उन्हें उस समय डायरेक्टिंग के इतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि वो अपने परिवार के लिए एक बड़ा फ्लैट खरीद सकें। वरुण धवन को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और वो शीशे के सामने बैठकर मिमिक्री भी किया करते थे, लेकिन उनके पिता उन्हें इन सबसे दूर रखकर उन्हें एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। जब वरुण धवन 8 साल के थे तब इन्हें एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने प्रपोज किया था। श्रद्धा कपूर ने वरुण धवन से कहा था कि तुम यू लव आई को सीधा करके बताओ, लेकिन वरुण धवन उनको नो कहकर ऐसे भागे कि रुके ही नहीं। मैंने कहा था इनसे यू लव आई और अभी उसको रिवर्स कर दो, मैं वो कहना चाहती हूँ आपसे। आपने मना कर दिया था? बिल्कुल। और रूड। आई नो। 8 साल का मैं क्या? वरुण धवन ने जब क्रिस्टियन बेल की फिल्म अमेरिकन साई को देखी तो उनके कैरेक्टर से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने की ठान ली और फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सिटी बैंक में इंटरव्यू भी दिया, लेकिन वो उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए। वरुण अपने यूथ में करियर को लेकर काफी कंफ्यूज रहते थे, इसलिए उनकी फैमिली में उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता था। इसलिए इन्होंने एक्टिंग में खुद ही ट्राई करने का सोचा और इन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए बैरी जॉन के एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर इनके साथ अर्जुन कपूर भी एक्टिंग सीखते थे। पागल हो गया क्या तू? औकात में रहकर जाने दे सारे। अब बोल चुका। फिर ये अपना एक्टिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक प्रोडक्शन हाउस में चले गए जहां पर एड शूट किए जाते थे। यहां पर वरुण धवन का मेन काम सेट पर प्रॉप्स को अरेंज करना होता था। वरुण धवन ने एक बार बताया कि जब सानिया मिर्जा एक सूज का एड कर रही थी तब वहां पर उन्होंने ही सारे सूज अरेंज किए थे और उन्हें उस समय काफी अच्छा महसूस हुआ था कि उन्होंने सानिया मिर्जा के एड में कंट्रीब्यूशन दिया है। इसी बीच वरुण ने लाइफ ऑफ पाई और धोबी गार्ड जैसी फिल्मों के लिए ऑडिशन भी दिए, लेकिन वो इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए। जब इनके पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने इनसे कहा कि तुम इस तरह एक्टिंग में अपना करियर नहीं बना सकते, अगर तुम्हें एक्टिंग में करियर बनाना ही है तो पहले तुम किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में जाकर देखो कि फिल्में कैसे बनती हैं। और फिर इन्होंने शाहरुख खान की 2010 में आई माय नेम इज खान फिल्म में करण जौहर के असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। यहां पर उनकी मुलाकात सिद्धार्थ मल्होत्रा से हुई और इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई। यहां पर उन्होंने एक्टिंग की काफी बारीकियों को सीखा और ये भी सीखा कि कैमरे के सामने एक्टिंग कैसे की जाती है ताकि उनकी एक्टिंग फिल्मों में रियलिस्टिक लग सके। इसके बाद करण जौहर ने वरुण और सिद्धार्थ की दोस्ती को देखते हुए उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी ऑफर की और फिर वरुण ने सोचा कि इससे अच्छा लॉन्च मुझे और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कर दी और फिर इस मूवी के जरिए इन्होंने 2012 में बॉलीवुड में शानदार डेब्यू किया। क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ? तो घूर क्यों रहे हो? इस मूवी में इनके साथ आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आए थे।
ये फिल्म इन तीनों की ही डेब्यू फिल्म थी, इसलिए इस मूवी के हिट होने के कोई चांस नहीं थे। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म के जरिए इन्होंने जी सिने अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू जैसे कई अवार्ड्स अपने नाम किए। और फिर 2014 में इसके बाद इन्होंने मैं तेरा हीरो फिल्म की, जिसे इनके पिता डेविड धवन ने ही डायरेक्ट किया था और इनकी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद इन्होंने हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, डार्क रिवेंज ड्रामा फिल्म बदलापुर, एबीसीटी 2, दिलवाले, डिसूम, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जुड़वा 2, अक्टूबर, नवाबजादे, सुई धागा और कलंक जैसी कई हिट फिल्में की। और हाल ही में इनकी एक न्यू फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी चली। दोस्तों, जब वरुण धवन ने बदलापुर मूवी साइन की थी तब उनसे काफ़ी लोगों ने इस मूवी को करने से मना किया था, लेकिन वरुण धवन ने कहा कि इस मूवी को करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस फिल्म की शूट लोकेशंस इतनी रियलिस्टिक थी कि उनके एनवायरनमेंट ने वरुण को काफ़ी अफेक्ट किया और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी अपनी फिल्मों में मर्डर सीन्स फेस नहीं किए थे। लेकिन इस फिल्म में उनके को स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनकी काफ़ी मदद की और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर और बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड भी दिया गया। वरुण धवन नताशा दलाल से रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, जो कि एक फैशन डिजाइनर हैं। ये दोनों एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते हैं। अब वरुण धवन की न्यू फिल्म कूली नंबर 1 आने वाली है। ये मूवी 1995 में आई गोविंदा की फिल्म का रीमेक है। इस फिल्म में गोविंदा और करिश्मा कपूर की जगह पर उनका रोल वरुण धवन और सारा अली खान निभाते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म 1 मई 2020 को रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगने की वजह से इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के एक सफल अभिनेता वरुण धवन की दिलचस्प कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।